मैयत के घर खाना खा सकते हैं। मैयत के घर से जो खाना दूसरों के घर में भेजा जाता है, क्या वो खाना जायज है? जबकि वो खाना मैयत के लवाहिकीन नहीं पकाते, दूसरे लोग खाना देते हैं। देखिए, अगर मैयत के हाँ जो लोग ताजियत के लिए आए हुए थे, वो दूर दूर से आए हुए थे, थके हारे हैं और खाने का टाइम हो गया, तो अड़ोस पड़ोस में अगर कोई उनको खाना खिला देता है तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। रिश्तेदार बाज़ाबा दूर से आते हैं और भूखे होते हैं, वो कहते हैं जो मरने वाला था वो तो चला गया, अब उसकी वजह से हमें क्यों भूख से मार रहे हो? तो इस चक्कर में अगर कोई अड़ोस पड़ोस वाला या रिश्तेदारों में कोई उनको खाना खिला दे तो ठीक है, लेकिन अड़ोस पड़ोस में खाना बांटना ये इसलिए जायज नहीं है कि ये खाने का मौका है नहीं, ये गम का मौका है। खाना खिलाना खुशियों में होता है, गम में नहीं होता है। ये जो मैयत के लवाहिकीन खा रहे हैं तो मजबूरी में खा रहे हैं ना, ये तो भूख की वजह से, आप अड़ोस पड़ोस में क्यों बांट रहे हैं? हाँ, अगर खाना इत्तेफाक से ज्यादा आ गया, बच गया है, तो भी बेहतर ये है कि अड़ोस पड़ोस में ना बांटा जाए, क्योंकि गम का मौका है और आप पड़ोसियों को खाना खिला रहे हैं, क्योंकि अजीब सी चीज हो जाएगी। ये बिल्कुल मिजाज शरीयत के और अकल के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। कुछ शरीयत में खाना खुशियों के मौके पर होता है, गमों पर नहीं होता, इसलिए उस खाने को फिर फकीरों में सदका कर दें तो ज्यादा बेहतर है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सके। बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट बर वक्त आप तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।